दबंग भूमाफिया सुखदेव की गुंडागर्दी व अत्याचार से परेशान होकर जमीन व मकान बेचकर गांव के 8 परिवार पलायन करने को मजबूर। शिकायत करने पर देता है फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी। गांव के पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि यहां से चले जाएंगे तो जान तो बच जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9। दरअसल बरेली जनपद के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गौंटिया में गरीब किसानों की जमीनों पर भूमाफिया सुखदेव पुत्र रतनलाल ने गुंडागर्दी से अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत गरीब किसानों ने 200 से अधिक शिकायती पत्र उपजिलाधिकारी बहेड़ी, जिलाधिकारी बरेली, मुख्यमंत्री पोर्टल पर थाना शेरगढ़ आदि को शिकायती पत्र दिए और खुद पेश भी हुए, लेकिन अभी तक भूमाफिया सुखदेव पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तहसील बहेड़ी अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया सुखदेव बार बार गरीब किसानों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गरीब किसानों के परिवार के लोग इस भूमाफिया से बहुत डरे हुए हैं। भूमाफिया सुखदेव पर थाना शेरगढ़ में पहले भी गंभीर धाराओं में केस लगे हुए हैं, जैसे 307, 325 आदि। भूमाफिया सुखदेव एक गैंग चला रहा है, ये मारने और मरने को आमादा रहता है। गरीबों को मारना, पीटना, जमीन पर कब्जा करना, ये इनकी गैंग का धंधा है। तहसील बहेड़ी में ये वकालत करता है और गरीब किसानों को अनेकों बार तहसील परिसर में मारपीट कर चुका है। जानलेवा हमला ग्राम कई लोगों पर कर चुका है। ये दूसरा विकास दुबे है, सुखदेव बोलता है और धमकी देता है, तुम गरीब लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे SDM पावर है। इसीलिए हम भूमाफिया की गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है और गरीब परिवार डर की वजह से पलायन करने को मजबूर है। शासन प्रशासन गरीब किसान की नहीं सुन रहा है। गरीब किसानों के परिवार दर दर भटक कर परेशान हो गए हैं, कहीं न्याय नहीं मिला। अब ग्राम से पलायन करने को मजबूर 8 परिवार अब तक 200 से ज़्यादा शिकायती पत्र भेज चुके हैं। संवाददाता साहिद अंसारी के साथ मैं बिमलेश शर्मा, आप देख रहे हैं VP9 न्यूज़, हर खबर आप तक। आपने घर पे बोर्ड लगा रखा है कि भूमाफिया का आतंक से आप लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, आप सुखदेव वकील हमें परेशान कर रहा है। कब से परेशान कर रहे हैं आप? चलिए 2-3 साल है, गई 4-5 साल है। किस लिए परेशान कर रहा है, क्या वजह? तब जमीन पर कब्जा करने कर लगी हमारे घर, खेत पर जाते हैं मारता है हमें, और तहसील जाते हैं बहेड़ी तो मारता है। आपने इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह की है? बहुत सारी करनी है शिकायत, कोई सुनवाई ना हो रही है हमारी। अब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? ना, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आपका आपने यहाँ अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है कि आप लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? हम लोगों की ज़मीनों पे अवैध कब्जा है साहब, और हमारी कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही आज तक, और हम परेशान हो गए, तंग आ गए, इसलिए हम मजबूर होकर गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कौन परेशान कर रहा है? ये सुखदेव वकील है, एक मतलब बहेड़ी में बैठता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी परेशानी आपसे बयां नहीं कर सक रहे हैं। आपने इसके लिए कोई शिकायत वगैरह की है? शिकायतें SDM, DM, पुलिस महानिरीक्षक और पोर्टलों पे सारे जगह 200 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, मीडिया तक में भी खबरें निकलवाई हैं हम लोगों ने, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए मजबूर हो गया। ये सोच लिया कि गांव छोड़ जाएंगे तो मुकदमे भी नहीं लगेंगे फर्जी, और अपने सुकून से बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं।